Hi, Mummy's fans on Facebook pages, groups, which I have made. तो ये के अरे डैडी मैं तो भूल ही गई. हाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल उबाता कोई. जाने तू या जाने ना. देखें इसमें कितनी हार्मनी है. माने तू या माने ना, जैसे जहरा और मुनीरा के डेट्स ऑफ बर्थ में है. वो कौन सा सॉन्ग है, गाना है, गीत है. खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाने हो जाए. हाँ तो व्हाट इज दिस थिंग दैट यू हैव हैड विथ मिसेस मुनीरा गुलजार. माने तू या माने ना, हर बात के लिए एक गाना है मिसेस मुनीरा गुलजार के लिए. तो ज़रा जवाब पिछले वीडियो में पिछले जन्म को याद करो. नहीं नहीं तुम सुनो इधर, अच्छा सुनाए. ये पिछले वीडियो में तुमने जो चीची यानी मिस शफीका फिक्री यानी ऐसी और उनकी बहन मिसेस मुनीरा गुलजार को ब्लेम किया है कि इन लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा. सीरियस हो जाओ फॉर द सेक ऑफ मिस शफीका फिक्री. हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, सीधी हो जाओ. तो ये बताओ कि तो तुमने ये जो मिस शफीका फिक्री और मिसेस मुनीरा गुलजार को ब्लेम किया है पिछले वीडियो में कि इन्होंने इमेज होल्ड किया सहरा का मिस डिसा के साथ. वैसे तो प्रिंसिपल ने तुम्हें कहा भूल जाओ छोड़ दो. ऐसे तो बहुत लोगों ने कहा कि भूल जाओ छोड़ दो, मिस डिसा क्या तुम्हारी शौहर थी, बॉयफ्रेंड थी. ऐसे तो लोग चलते हैं और क्या नहीं करते, आई मीन डिवोर्सेस होती हैं, लेकिन लोग जीते हैं. वैसे ज़हरा जवाद, ये जब मिसेस मुनीरा गुलजार ने तुम्हें कहा कि लीव द पास्ट बिहाइंड, वैसे तो तुम्हारे डैडी ने भी कहा था कि डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. तो अच्छा नहीं लगा. ये डू नॉट क्राई ओवर ये मिस डिसा स्पिल्ड मिल्क, ये मिल्क स्पिल्ड हुआ. अरे हमारा तो दिल पाश पाश हो गया. और क्या ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसी ऐसी चीज़ है लोगों कि माय लाइफ हैज़ बिन कट ऑफ फ्रॉम मी एंड दे आर आस्किंग मी टू गो ऑन लिविंग विदाउट माय लाइफ, लीविंग माय लाइफ बिहाइंड. दे आर आस्किंग मी टू कीप लिविंग एंड गो ऑन लिविंग. ये कैसी बात हुई. लेकिन जब मिसेस मुनीरा गुलजार ने तुम्हें कहा कि
let the past be, and something like that. तो तुम तो बड़े खुश इसे के अब ये जहरा मिसेस मुनीरा गुलजार को पता है कि पास तो तुम छोड़ के आ गई हो। हाँ, प्रेजेंट में वैसे मिसेस मुनीरा गुलजार के मिस दिशा क्या थी? जब फिक्री फैमिली की शादी होती थी तो पीछे तो छोड़ के नहीं आती थी मिस दिशा को, इनविटेशन तो मिलता रहता था। ये फैमिली पहले तो टीचर थी, हाँ, लेकिन उनकी बहन के साथ इनकी दोस्ती थी, और ये रिश्ते नाते ख़त्म तो नहीं हुए। वैसे तुम्हें बोला कि छोड़ दो मिस टिसा को, फिर बोला कि फ़ोन क्यों नहीं करती हो, फ़ोन कर लो अगर इतना इंटरेस्ट है, चाहना है। तो मैं क्या कहती, मैंने कहा कि जो भी कहा, चीची ने एग्री किया। हाँ, लेकिन आप ये तो सोचें कि अब जन्नत इसकी कौन है, चार्म इसका कौन है, और जिंदगी इसकी कौन है। वैसे जहरा जवाद, जिंदगी तो मिसेस मुनीरा गुलजार तुम्हारी हो गई, लेकिन मिस डिसा के साथ तो तुम बहुत एग्जैजरेट करती थी कि मिस डिसा तो मेरी जिंदगी से ज़्यादा है, और पता नहीं क्या। हाँ, एंड आई अडोर यू, एंड माई लव इज़ मोर देन द शिवरिंग विंड एंड द टॉलेस्ट ट्रीज, और पता नहीं क्या, एंड मोर देन द वर्ड एडोरेशन की मीनिंग। और यहाँ तो किसी ने पूछा कि ये तुम मिसेस मुनीरा गुलजार को लव करती हो, लाइक करती हो, अडोर करती हो? तो बेचारी सोचने लग गई, सोचते सोचते बड़े उसे देखने लगी कि एडोर या क्या है, वर्शिप? ओ, बड़ी सोचने लगी, लव लव पे कैसे आई? हाँ, अभी तो इसको ये भी नहीं पता कि लव क्या होता है। तो ये क्या था, ये शायद खुदा से कुछ था। हाँ, तो ये बोल नहीं सकी, लेकिन खैर, आखर आखर ज़बरदस्ती कह दो, कह दो, कह दो, तुम जो कह दो प्यार की, पता नहीं क्या। तो ये जो फर्स्ट लव कहा है तुमने, ये इसे लोगों 1990 में खुदा मिल गया, द फ्रूट ऑफ पेशेंस शी वॉज होल्डिंग इन हर हैंड एंड नॉट ईटिंग। अब इसको ये है कि कितने बाइट्स ये ले, कितना खाए, कितना नहीं खाए। एक वक्त था, एक मोमेंट के लिए भी पेशेंस नहीं था, अब जब पेशेंस आया तो ये हैरान हो गई, यानी खुदा आ गया। तो गेटिंग एवरीथिंग क्या है, चांद सूरज, इसको तो सेंट जोसेफ कॉलेज में खुदा मिल गया। तो ये जो पागलपन में सेंट जोसेफ कॉलेज में गा रही थी, ये शायद बताना तो वर्ड्स में नहीं चाह रही थी, लेकिन अरे, मुझे तो खुदा मिल गया, मुझे तो खुदा मिल गया, अब और क्या चाहिए। तो जब 1996 में इसको पाउलो कोएलो की बुक मिली है, द एल्केमिस्ट, इसने पढ़ी है,
एयरप्लेन में, तो पता है ना वो वर्ड के एवरी मोमेंट और सेकेंड्स इनकाउंटर इज विद गॉड, कि वो जो जो भी इसको तो वो मिराकुलस गॉड मिल गया, अब सब मिरेकल्स हो रहे हैं। और ख़ुद तो बेचारी चाह रही थी कि लाइटली ले इसको, अब जब खुदा आ गया, पेशेंस आ गया, मिरेकल आया, सबसे बड़ा जिंदगी का इसके लाइफ सेविंग सेवियर कहीं पे था वहाँ, जो इसको सेव कर दिया आखर आखर, तो अब इसको बस ये कि आगे चलें, खुदा लेके जा रहा है, मिरेकल्स दिखा रहा है, डेजीज ऐसे टूट 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 ऊपर नीचे हो रहे हैं एक्सटैटिक, कि मैं तुम्हें मम्मी के घर लेके जा रही हूँ, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। एक वक्त था इसकी ज़िंदगी निचोड़ गई थी इसके जान से और इसे कहा कि जियो, तो अब इसको पता चला कि फोर्सफुली किसी को ऐसे लाइफ में रखना कितना बुरा होता है। काश मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। तो आखर आखर डेजी से इसने पूछा, फ्लावर से, कि मुझे आपकी रजामंद की है कि मैं आपको प्रिंसिपल के घर लेके जा रही हूँ, आर यू हैप्पी। तो ऐसे पेटल्स ऊपर नीचे होने लगे, बाउंसिंग अप एंड डाउन, सम ऑफ द पेटल्स इन बिटवीन, जैसे जुबिलेंट जॉयफुल लाइफ आ गई इन फ्लावर्स के अंदर। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, और फिर वो ख़त्म हो गया कि ओ लीव्स यू आर हियर, आई मीन अल्लाह बेचारे एनिमल, यू आर हियर, तो क्या यू आर हियर अगेंस्ट योर विल, शायद तुम लोगों को ज़िंदगी पसंद नहीं है, काश नथिंगनेस होती, काश नथिंगनेस होती। वो सब ख़त्म हो गया इसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो तुम कहाँ से आ रही थी, मिरेकल से, तुम्हें ही पता है कि तुम कहाँ से आ रही थी, मौत को इतनी दफ़ा दावत दी, एम्ब्रेस किया, गले लगाया, फिर भी भागती रही मौत तुमसे। तो मिस शफीका फिक्री और मिसेस मुनीरा गुलजार को ये तो नहीं पता था कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो कहाँ से आ रहे थे उनको ही पता है। तो वो तो डरे हुए होंगे कि कहीं फिर से जुदाई में प्रिंसिपल से ये कैसे जिएगी, अपने आप को मार डालेगी। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला।